अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लैब के अंदर जो फर्स्ट लैब थी हमारी, जो कि हमारी हो नहीं सकी थी, उस लैब में जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा था, इस वीडियो में मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी क्लास होती है वो किस तरह से क्रिएट होती है, और उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर्स कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, और उसके हम मेन फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो ये आपकी एक CPP फाइल है। इस फाइल के अंदर हम जो हमने क्लास में अपनी ये क्लास डिस्कस की है, जो कि स्टूडेंट की क्लास है, उसी क्लास को यहाँ मैं इंप्लीमेंट करूँगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, एक यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने अपनी रेगुलर क्लास में क्रिएट की थी, जो कि स्टूडेंट की क्लास है। तो ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास चार डाटा मेंबर्स थे। वो डाटा मेंबर हमारे पास थे कि एक स्टूडेंट का स्टैप ID था, उसका नेम था, उसका फ़ोन नंबर था, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। और हमें पता है कि ये जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो हम प्राइवेट उसको एक्सेस स्पेसिफाई रखते हैं। तो उसमें मैं एक्सेस स्पेसिफाई कर देता हूँ प्राइवेट, और चारों डाटा मेंबर्स क्रिएट कर देता हूँ। स्ट्रिंग नेम, इंट स्टैप, क्योंकि स्टैप आई डी इंटीजर में होता है, स्ट्रिंग, फोन और स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ। तो ये चार हमारे पास डेटा मेंबर क्रिएट हो गए। अब क्योंकि मैंने स्ट्रिंग यूज़ की है, तो मुझे स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए यहाँ पर ऊपर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस तरह से। अब इसके बाद चार डेटा मेंबर्स बनने के बाद हम फंक्शंस बनाएंगे, जो कि हमने क्लास में बनाए थे। अब उन फंक्शंस में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था, जो कि हमने इनिशियली एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब क्योंकि हमने दो कंस्ट्रक्टर यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी सीख लिया, तो यहाँ पर हम दोनों कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और एक अपना रेगुलर फंक्शन, जो कि प्रिंट का फंक्शन है, वो क्रिएट करेंगे। और फंक्शन जो आपको पता है वो होती हैं पब्लिक, तो इसका स्पेसिफाई रख देते हैं पब्लिक। अब इसके अंदर पहले हमारे पास था कंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास, कि क्लास का नेम ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो क्लास का नेम क्योंकि स्टूडेंट है हमारे पास, तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी हमारे पास स्टूडेंट आएगा। और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए इससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, वॉइड भी नहीं लिखा। तो ये हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये हम इसमें कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहे, यानी कि नॉन पैरामीटराइज, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इन सब डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे विद नल और जीरो। जो जो स्ट्रिंग्स आई हैं, जैसे कि नेम, उसको हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। स्टैप, क्योंकि इंटीजर, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। फोन भी क्योंकि नल है, उसको हम स्ट्रिंग है नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास स्ट्रिंग है, उसको भी हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद अब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हमने वो भी सीख लिया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्योंकि वो भी एक कंस्ट्रक्टर है, तो उसका नाम भी वही होगा जो कि क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो उसका नाम भी वही है जो कि क्लास का नाम है स्टूडेंट, लेकिन अब उसका जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट होगा। सिग्नेचर का मतलब है कि उसकी में जो पैरामीटर्स है, अब उसमें कोई पैरामीटर आएंगे, तभी तो वो हमारा इससे डिफरेंट होगा और वो हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे हमने ये चीज़ें फिक्स की हैं खुद से, किसी को नल किया है, किसी को जीरो किया है, अब हम जो पैरामीटर में चीज़ें हैं हम वो सेट करेंगे इन चारों चीज़ों के अंदर। तो पैरामीटर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम को आप चाहे नेम से ही भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप एन से करें, या किसी भी और वेरिएबल से आप कर सकते हैं। दूसरा है सैप, तो सैप क्योंकि इंटीजर है, तो इसलिए इंट आप पूरा सैप भी लिख सकते हैं, या आप उसकी कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग। थर्ड है आपके पास फोन, डिनोटेड एस पी, और चौथा आपके पास है डेट ऑफ बर्थ, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से। तो ये चारों पैरामीटर्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये चारों के अंदर एन के अंदर नेम की वैल्यू आएगी, इसके अंदर सैप की वैल्यू आएगी, पी के अंदर फोन की, और डी के अंदर डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू आएगी। तो जैसे ही ये वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर आएंगी, तो हम इनको इनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में स्टोर करवा देंगे। जैसे कि नेम के वेरिएबल में जो एन था, वो नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया मैंने। इस तरह से जो सैप के वेरिएबल में मैंने एस को स्टोर करवा दिया, फोन के वेरिएबल में पी को स्टोर करवा दिया, और डेट ऑफ बर्थ के वेरिएबल में डी को स्टोर करवा दिया। इस तरह से चारों वेरिएबल्स मेरे जो आ रहे थे पैरामीटर्स में, वो चारों इन वैल्यूज में स्टोर हो गए। अब डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो कि आपकी क्लास का नाम होता है इस तरह से। और डिस्ट्रक्टर के लिए हम स्टार्ट में एक टिल्ड का साइन लगा देते हैं, ताकि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि दिस इज डिस्ट्रक्टर। और फिलहाल ये मेरे पास एम्प्टी डिस्ट्रक्टर है, एम्प्टी डिस्ट्रक्टर है, मैंने वैसे ही कमेंट कर दिया इसके अंदर कि एम्प्टी डिस्ट्रक्टर है।
अब एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं प्रिंट का, जो कि हम क्लास में करते आ रहे हैं, जो सब वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अब ये रेगुलर फंक्शन है, और जो रेगुलर फंक्शन होते हैं उनको हम पैरामीटर, उसके रिटर्न टाइप भी होती है, और अगर हम चाहें तो उनके पैरामीटर भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है पैरामीटर्स के, तो इसलिए कोई पैरामीटर्स के अंदर नहीं है। तो इस प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम इन चारों वैल्यूज को वन बाय वन प्रिंट करवा देंगे। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है नेम, हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास है सैप, उसको प्रिंट करवा देते हैं। थर्ड वैल्यू में हमारे पास है फोन, और फोर्थ वैल्यू हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। तो इन चारों को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब ये तो हमारी क्लास की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बनाई है क्लास। अब उसके बाद क्लास से बाहर, कि जहाँ पर क्लास खत्म हो गया, क्लास से बाहर हम बनाते हैं मेन फंक्शन। उस मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास को कॉल करेंगे, इंट मेन। अब ये इस मेन के अंदर सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट स्टेरिक S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो स्टूडेंट है, दिस इज अ नेम ऑफ क्लास, ये S1 जो है ये ऑब्जेक्ट है, S1 जो है स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है। बस द क्वेश्चन इज कि अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, बिकॉज वी हैव टू कंस्ट्रक्टर्स इन दिस क्लास। एक हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और एक हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब इन दोनों में से कंस्ट्रक्टर कौन सा चलेगा, इसका आपको पता चलेगा इस सिग्नेचर से, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रही है जो कि डिफॉल्ट है, जो कि कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा, नॉन पैरामीटराइज्ड है। तो इसके मुताबिक जैसे ये लाइन चलेगी तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो आपकी इन चारों वैल्यूज के, चारों वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू चली जाएगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि नेम के अंदर नल, सैप में जीरो, फोन में भी नल, और DOB में भी नल। तो आपका जैसे ही ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा S1 का, तो S1 के अंदर चारों वैल्यूज ये चली जाएंगी जो कि यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर इसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अगर, और प्रिंट हम करवाएंगे प्रिंट के फंक्शन के थ्रू, यानी कि प्रिंट का फंक्शन कॉल करने के लिए आप लिखेंगे S1 जो कि इस ऑब्जेक्ट का नाम है, एरो और प्रिंट का फंक्शन। अब कंपाइलर को मैसेज आ जाएगा कि S1 यानी कि स्टूडेंट के अंदर प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर दे। S1 जो है वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब उसके अंदर जो भी, जिस भी कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल किया हुआ है, यानी कि जो भी वैल्यूज उसमें सेट हुए हैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो सारी वैल्यूज प्रिंट के फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन के वक्त जो हमारे पास प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उस प्रिंट के फंक्शन में आपके पास ये चारों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और वही वैल्यूज होंगी जो कि स्टूडेंट ने यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने की है। और आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट आई है, पहली आउटपुट नल आई है, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि पहली जो आपके पास नेम था वो आपने नल रखा हुआ था। इसी तरह से सैप में आपने जीरो रखा था तो यहाँ पर जीरो आ गया। फोन और DOB में भी आपके पास नल था, तो ये अगली दो वैल्यूज भी आप देख रहे हैं नल आ गई है। अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी की वैल्यूज पर सेट करते हैं तो वही वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। अब एक और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम चेंज करके मैं रख देता हूँ S2, क्योंकि हम सेम नाम के दो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि चार वैल्यूज जो मैंने फिक्स की हैं, अब वो फिक्स ना करें, बल्कि यहाँ पर हम खुद वैल्यूज दें। आप यूजर से इनपुट लेके भी सीन करके भी दे सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर सीन करें चारों वैल्यूज और उसके बाद इनपुट दे दें, या आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं इसको हार्ड कोड करके पहली वैल्यू दे देते हैं अली, दूसरी वैल्यू सैप है वो हम दे देते हैं लाइक 1 2 3 4, तीसरी वैल्यू फोन है स्ट्रिंग में वो हम दे देते हैं लाइक +9 2 1 2 3 4 5 6 7, और फोर्थ वैल्यू हमारे पास है DOB, वो हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं लाइक 23 12 90 94। तो चार वैल्यूज मैंने इसको दे दी। अब इसका मतलब है कि इस लाइन के चलने से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है S2। और अब आपने देखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो फंक्शन, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि इस टाइप का, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि चार वैल्यूज रिसीव कर रहा है, और वैल्यूज इस तरह की हैं कि पहली स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो आपका कंपाइलर ये ढूंढेगा कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है कि जो पहली स्ट्रिंग लेता है, फिर इंटीजर लेता है, फिर स्ट्रिंग लेता है, फिर स्ट्रिंग लेता है, तो वो उसको मिल जाएगा ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो वो इस लाइन के चलने से जो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और इसमें होगा ये
ये चारों वैल्यूज आपकी पैरामीटर्स में चली जाएंगी, यानी कि पहली अली, फिर 1 2 3 4, फिर ये फोन, फिर डीओबी, चाली चारों वैल्यूज आपकी इन चारों वेरिएबल्स में चली जाएंगी। यानी कि पहले एन के अंदर आपकी पहली वैल्यू चली जाएगी, फिर सैप के अंदर आपकी 1 2 3 4 चली जाएगी, फिर बी के अंदर फोन और डी के अंदर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि वहां से चारों वैल्यूज वन बाय वन इसके अंदर आ गई। अब जैसे ही कंपाइलर को स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो ये एन, जो भी वैल्यू एन में पड़ी हुई है वो आपकी नेम में स्टोर हो जाएगी, एस वाली वैल्यू आपकी सैप में स्टोर हो जाएगी, पी वाली वैल्यू आपकी फोन में हो जाएगी, और डी वाली वैल्यू डीओबी में हो जाएगी। यानी कि जो S2 है, S2 का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चारों वैल्यूज है वो वही है जो कि यहाँ से आपने भेजी है, क्योंकि तो जो वैल्यूज आपने यहाँ से भेजी है वही वैल्यूज आके इनमें स्टोर हुई है। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये वही वैल्यूज प्रिंट होंगी जो कि यहाँ पर स्टोर हुई है। यानी कि चेक करने के लिए अगर हम इसको प्रिंट करवाएं S2 एरो प्रिंट, यानी कि प्रिंट का फंक्शन चलेगा लेकिन किस ऑब्जेक्ट का, S2 ऑब्जेक्ट का, तो अब वही वैल्यू प्रिंट करेगा जो S2 ने दी हुई है। पहले वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वेरिएबल एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ हम इसकी आउटपुट ही देख सकें। तो अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से जो वैल्यूज हमने भेजी थी वही वैल्यू जो कि सब वेरिएबल में स्टोर हुई थी, आप देख सकते हैं वही वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हुई हैं। तो इसका मतलब हम यूजर से जो भी वैल्यूज लेके यहाँ पर भेजेंगे वही डायनेमिकली इसके अंदर सेट होगी, अब इसके अंदर फिक्स काम नहीं हो रहा। तो ये तो स्टोरी थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर्स प्राइवेट और पब्लिक जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसके अंदर जो पब्लिक होते हैं वो एक्सेस होते हैं, यानी कि जो प्रिंट का फंक्शन था ये पब्लिक था, ये पब्लिक था, इसलिए हम देखते हैं कि क्योंकि प्रिंट का फंक्शन पब्लिक था, हमें कैसे पता कि पब्लिक था। आप इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पब्लिक, यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल जो भी लिखा है वो पब्लिक है, ऐसा मतलब पब्लिक के नीचे जो जो भी है सारा पब्लिक है, उसमें स्टूडेंट भी है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है और प्रिंट है, ये सारे के सारे जो आपके हैं वो पब्लिक हैं, और इससे ऊपर जो प्राइवेट के अंदर अंडर आते हैं वो ये हैं। अब अगर मैं कोशिश करूं कि किसी प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करें, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि S2 एरो सपोज प्राइवेट वैल्यू आपके पास है, ये चारों प्राइवेट है, नेम को एक्सेस करनी है, अगर मैं कहूं कि S2 के अंदर नेम को एक्सेस करें इस तरह से, तो आप देखेंगे कि कंपाइलर ने आपको यहाँ पर रेड करके एरर दे दिया। और अगर मैं एरर को पे माउस रखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर ही आ रहा है कि मेंबर नेम डिक्लेयर्ड एट लाइन 8 इज इनएक्सेसिबल, इसका मतलब है कि इनएक्सेसिबल है, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकते। और लेट सपोज अगर इसको मैं पब्लिक कर दूं, फॉर इंस्टेंस इसको मैं पब्लिक कर दूं, अगर इसको मैं पब्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि एरर भी यहां से रिमूव हो गया, इसका मतलब कि एक्सेस हो सकता है। तो आपका जो चीजें प्राइवेट होती हैं वो एक्सेस नहीं होती। और अगर मैं इस प्रिंट के फंक्शन को जो कि अभी पब्लिक है, अगर मैं इसको भी प्राइवेट कर देता, यानी कि इन सबको मैं प्राइवेट कर देता, यहाँ पे सिर्फ अगर आप इसको प्राइवेट कर दें, प्रिंट के फंक्शन को इसके ऊपर प्राइवेट लिख दें, इसका मतलब है कि ये सारी पब्लिक है और जहां पर प्राइवेट लिखा आ गया उससे नीचे सारी प्राइवेट है, मतलब प्रिंट का फंक्शन प्राइवेट है। तो अगर मैं प्रिंट का फंक्शन प्राइवेट कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंट के फंक्शन पर भी उसने एरर दे दिया। अब अगर इसमें माउस रखें तो वही एरर लिखा आएगा कि जो फंक्शन है प्रिंट का डिक्लेयर्ड एट लाइन 35 इज इनएक्सेसिबल, कि एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट चीजें होती हैं वो क्लास के अंदर एक्सेस होती है। यहाँ से यहाँ तक क्लास है जो कि मैंने अभी हाईलाइट की है, ये क्लास है, इस क्लास से बाहर कुछ भी ऐसा होगा जो कि प्राइवेट है, जैसे कि प्रिंट इस वक्त है, वो एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक, जो प्राइवेट होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं। अब मैं आपको एक लैब इसकी सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये लैब करनी है। इसकी जो ड्यू डेट है वो है संडे मिडनाइट, तो संडे मिडनाइट तक ये आपने सबमिट करनी है। सबमिट लिंक भी मैं आपको इसका भेज देता हूँ।